अगर आप देखोगे बेसिकली यहाँ पे तो देखोगे स्टील वायर है जिसका मास पर यूनिट लेंथ इतना है। तो अगर एक स्टील का वायर है जिसका जो मास पर यूनिट लेंथ, इसको मैं म्यू से डिनोट करता हूँ, वो 7.0 × 10 की पावर -3 केजी पर मीटर है। एंड टेंशन इन वायर जो है वो आ जाएगा अपना 70 न्यूटन, ये टेंशन वायर। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव इन, तो यहाँ से तुम अगर स्पीड देखोगे, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सल वेव, अगर कोई वायर है, ये वायर है, तो इस वायर में जो ट्रांसवर्सल पल्स होता है उसकी स्पीड भी का जो फार्मूला होता है वो होता है टेंशन टी डिवाइडेड बाई म्यू। तो टेंशन टी 70 और डिवाइडेड बाई म्यू की वैल्यू 7 × 10 की पावर -3, और ये सब कुछ अंडर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसे काट दो तो यह आ जाएगा 10 की पावर +4, मतलब यह आ जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड, ये वाला। तो ये जो स्पीड है, ये वाली जो चीज़ है, ये आ जाएगी। तो अगर आप देखोगे इतना मीटर पर सेकेंड, दैट इज सी ऑप्शन, देखो तो सही है, बाकी सारे गलत है। तो ये तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इंजॉय किए होंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।